जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। जो रिन्यूएबल एनर्जी में जो सोलर प्लेट होती है, सोलर ग्लास का मैन्युफैक्चरिंग करती है, उस बिजनेस मॉडल का नाम है बोरोसिल रिन्यूएबल। उसका कंप्लीट बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। दोस्तों, उसने ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट के बाद में एक अच्छी रैली आ सकती है। इसमें बहुत ही शानदार लगभग टॉप से 22% ही डाउन है। इसमें कोई ज़्यादा मतलब कि नीचे की तरफ नहीं आया था, लेकिन हमने पहले एक बार डिस्कस किया था कि इसमें मूवमेंट इसमें नीचे की तरफ मूवमेंट आ सकता है। उसके बाद में हमने इसमें मतलब मिस कर दिया, भूल गए, पता नहीं चला। लेकिन अब इसमें मैंने आज चार्ट देखा तो ब्रेकआउट हो चुका था, तो एक अच्छी रैली आ सकती है। कहाँ पर अपने को बाइंग करनी चाहिए, इसके टारगेट क्या होंगे, जो पहले से इन्वेस्ट है उनको क्या करना चाहिए, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसके चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एक इंडिया का नंबर वन स्टील पाइप से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है APL अपोलो। उसमें लगभग मतलब 3 साल में 6 गुना 7 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दिया है। पोशाक लिमिटेड, अदानी इंटरप्राइजेज के बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, प्रेस बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। और दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड ही अदानी ग्रुप का रिलेटेड बिजनेस मॉडल है अदानी ग्रीन एनर्जी। उसके बारे में डिस्कस किया है, उसके बारे में जाके आप वीडियो को देख सकते हो। तो चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। सबसे पहले दोस्तों होता है कि देखो, इसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से चार्ट को अप्रोच देने का तरीका होता है। ये चार्ट है, इसमें लाइन है, यहाँ पर अगर पहली बार कोई देख रहा हो तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा कि ये क्या है। लेकिन इस तरह का स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है, जिस तरह से अपन स्कूल में जाते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ बाय मतलब 12th तक जाते हैं, तो इसके बाद में अपन ग्रेजुएशन करते हैं। ये तरीका होता है एक मतलब कि एजुकेशन करने का। उसी तरह से ही टेक्निकल चार्ट को रीड करने का एक तरीका होता है कि आपको सबसे पहले ट्रेंड का पता होना चाहिए। अब देखिए, बोलते हैं जिस तरह से किसी की अच्छे दिन में जैसे होता है कि अच्छे दिन चल रहे हैं, तो अगर वो कुछ भी कर लेता है तो इससे मतलब उसके फेवर में आ जाती है चीज़। और कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान के कभी मतलब कि बुरे दिन चलते हों और उसमें बाद में अगर वो अच्छा काम करने का होगा तो भी ये बुरा मतलब वो नहीं होगा। तो एक एक साइकोलॉजी पॉइंट है इस तरह का। इसी तरह से ही होता है कि जब इंसान का अच्छे दिन चल रहे हैं, बुरे दिन चल रहे हैं, तो उसमें अपने को क्या करना चाहिए। उसी तरह से स्टॉक के भी होता है, बिजनेस जैसे होता है। बिजनेस में क्या होता है कि ऑफ सीजन और सीजन होती है, उसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी सीजन और ऑफ सीजन होती है। तो अपने को ऑफ सीजन से बचना है और सीजन में आना है, इस तरह से अपन चार्ट को रीड करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले इसका जो पहली सीडी है शेयर मार्केट की, उसका है ट्रेंड। ट्रेंड, तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। अब देखिए, ट्रेंड की अगर पहचान करें तो तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। तो ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं अपन, जब मैं एग्जांपल लेता हूं, एक देसी भाषा का एग्जांपल, मतलब अपन जैसे घर में यूज में डेली करते हैं। ये मान लीजिए अपनी छत है, इसको थोड़ा सा समझिए, मैं कई वीडियो में बता देता हूं। ऐसा जो नए जुड़े हैं, पहले जुड़े हैं, उनको पता है ये छत है हमारी। छत है तो हम दोस्तों यहाँ से ये सीढ़ियाँ हैं इसकी, ठीक है, ये सीढ़ियाँ हैं सारी। तो सीढ़ियाँ हैं तो हम क्या करेंगे, सीढ़ियों से इस तरह से जाते हैं, ऐसा तो नहीं कि ऐसे चले जाएंगे, इस तरह से एक पैर ऊपर करके इस तरह से जाते हैं। तो स्टॉक भी दोस्तों इसी तरह से जाता है। आप देखा होगा कि कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, इस तरह से। उसके लिए अपन मानेंगे तो उसमें क्या कि ट्रेंड का पता होना चाहिए। ट्रेंड अपन देखिए, इसमें पहले एक टॉप ले लिया, एक बॉटम ले लिया। ऊपर वाला टॉप हायर टॉप, हायर टॉप, हायर टॉप होंगे। नीचे वाला बॉटम ले लिया, एक ऊपर वाला हायर बॉटम, हायर बॉटम। कहने का मतलब ये है कि अब ट्रेंड में अपने को अब ट्रेंड में हायर टॉप, हायर बॉटम मिलनी चाहिए। ये छत वाला एग्जाम्पल ले लिया। अब क्या है दोस्तों, यहाँ पर छत पर अपन बैठ गए, अब क्या करेंगे, मान लीजिए किसी को नीचे आना है, तो ये मान लीजिए इधर वाली सीढ़ियाँ मान लेते हैं हम, ठीक है। अब इसको नीचे आने तो क्या करेंगे, अगर किस कैसे पता चले कि ये नीचे आ, अपन ऐसे तो नॉर्मली मान लेते हैं कि छत पे बैठा है, जो लास्ट सीढ़ी होती है ना अपनी ऊपर वाली सीढ़ी, उसको पेड़ी बोल, उसको अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेंगे ना, तब पता चल जाएगा भाई ये नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पर कैसे पता चलेगा, यहाँ पर दोस्तों इसके जो लोअर बॉटम पैटर्न थे ना, ये लोअर बॉटम पैटर्न, इसको अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन, अब देखो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में ध्यान रखिए, एक हमने कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ते हैं, मारुबुजा टाइप की कैंडल स्टिक, जो बुलिस और बियरिशिंग दोनों तरफ की कैंडल होती है, वो अगर ब्रेकआउट करता है तो उसमें एक बुलिस कैंडल बनती है, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता है तो ये बियरिशिंग कैंडल बनती है, रेड कैंडल बनेगी। तो यहाँ पर अपने जो हायर बॉटम पैटर्न है उसको, यानी ऊपर ऊपर वाली सीढ़ी के नीचे अगर कोई ब्रेकडाउन कर दे, मतलब कैंडल बन जाए, तो ये मान के चलना वो नीचे की तरफ आएगा। एक चीज़ और है दोस्तों कि कभी भी देखना, कभी भी ये मान के चलना कि अगर अच्छा रिटर्न दे दिया स्टॉक ने, ठीक है, तो वो क्या डबल टॉप पैटर्न बनाना, ये मतलब प्रॉफिट बुकिंग करने के तरीके हैं। आप कोई सा भी स्टॉक देखो, यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बनाया, ठीक है, यहाँ से रैली दी, प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, डबल टॉप पैटर्न बनाया, अपने हिसाब से इसने अच्छा रिटर्न दिया, फिर नीचे की तरफ आया। आपको मैं कई स्टॉक बता देता हूँ, देखिए मैं 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर होगा। देखिए अभी एक पॉलीकैब का, आपको पता होगा पॉलीकैब है स्टॉक जो अभी इसमें थोड़ी सी करेक्शन आई है, नीचे की तरफ आई है। तो देखिए पॉलीकैब में किस तरह से हुआ था,
ये देखिए दोस्तों डबल टॉप पैटर्न बनाया, इसने डबल टॉप पैटर्न बनाया यहाँ पर और फिर नीचे की तरफ है। यहाँ पर सेलिंग टीआरसीपी बना, इसके बारे में हमने इसी टाइम पहले बता दिया था कि सेलिंग टीआरसीपी बन चुका है, अच्छा मतलब अगर डबल हो चुका था इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ये जो 1000 करोड़ का आया था इसके में, ये बाद में आई थी लेकिन चार्ट में पहले ही पता चल जाती है, पहले ही कैंडल स्टिक पैटर्न बन चुकी थी। अब देखो न्यूज़ का किसी का पता नहीं था, यहाँ तक आता तो ये ज़्यादा। अब इसने क्या किया था, देखो डबल टॉप पैटर्न बनाया, ये डबल बॉटम डबल टॉप पैटर्न बन गया, डब्लू पैटर्न बन गया और फिर नीचे की तरफ आ गया, टारगेट तो दे दिया। और जैसे कोई भी स्टॉक मैं आपको बताता हूँ, जैसे अदानी है, अदानी ग्रीन, अदानी इंटरप्राइजेज है, आप इनको जैसे डबल टॉप पैटर्न बनाते हैं ना स्टॉक, अच्छा तो ये देखिए डबल टॉप पैटर्न किस तरह से बनाए, ये देखिए यहाँ पर अच्छा रैली दे दिया था, अच्छा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से आने की पॉसिबल है। आरएसआई में डाइवर्जन देखोगे तो वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग करने का तरीका है, इससे आपको बहुत ही मतलब कभी भी आप मतलब कई होते हैं जैसे बाय तो कर लिया सही जगह पर लेकिन क्या प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाते, तो उनके लिए दिक्कत, इसलिए मैंने दो तीन आपको चार्ट बता दिए, इसलिए मैंने आपको चार्ट बता दिया। बोरोसिल रिन्यूअल वाला मैं चार्ट वापस खोल लेता हूँ। ये देखिए डबल टॉप पैटर्न बने थे और यहाँ पर अपन देखेंगे आरएसआई में डाइवर्जन भी दिखे, तो ये अब ट्रेंड है और फिर बाद में नीचे की तरफ आएगा तो लोअर नीचे वाली सीडी को काट देगा नीचे। अब एक मान लीजिए इस नीचे वाली सीडी है यहाँ पर आ गया, अब उसको बोल दे भाई कि छत पे वापस जा। देखो कहानियों से अगर समझोगे तो बहुत ही अच्छी तरह से आप समझ जाओगे, उसको रिलेट कर पाओगे। ऐसे ही मैं ये था टेक्निकल लैंग्वेज का थ्योरी, हायर टॉप हायर लो बॉटम पैटर्न ये मैं बता देता हूँ, तो दोस्तों मतलब ज़्यादा समझ में नहीं आएगी, आप याद नहीं कर। अब मैं छत का एग्जाम्पल दे दिया तो आप छत का एग्जाम्पल हमेशा याद रखोगे, कोई नहीं भूलेगा, क्योंकि अपनी लाइफ से कनेक्टेड ये चीज़ें होती है जो अपन नहीं भूल पाते, और हमेशा ही लाइफ से चीज़ें कनेक्टेड। मैं कोशिश जी ऐसे एग्जांपल देता हूँ, देसी देसी एग्जांपल जो अपने को याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ गए, अब बोल दिया भाई कि उसको वापस जाना है छत पे, तो वापस जाना है तो वो क्या करेगा, नीचे की तरफ आ रहा था उसके घूमेगा, ठीक है घूमेगा तो मतलब मेजर सपोर्ट के पास में कोई बाइंग टीआरसीपी बनाएगा, फिर क्या करेगा ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर जो इसमें डाउन ट्रेंड में क्या है, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न मिलते हैं अपने, तो यहाँ पर जो लोअर टॉप पैटर्न है, लोअर टॉप पैटर्न मतलब ऊपर वाली सीडी है, ऊपर वाली सीडी को ब्रेकआउट करेगा, पुल बैक पैटर्न आएगा, बाइंग टीआरसीपी के साथ इस तरह से निकल जाएगा। इस तरह से मतलब कि ट्रेंड को अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ट्रेंड की इसकी बात की जाए तो देखो यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हो चुका है दोस्तों, रियल में ब्रेकआउट ये हो चुका है इसका, ठीक है किस तरह से हुआ है ये मान के चलो। देखो यहाँ पर ये थे इसके, ये देखो ये थे, तो यहाँ से इसने पहले ये भी मान सकते हो लेकिन कन्फर्म आपको कन्फर्मेशन ये आ गई है यहाँ से, मतलब ब्रेकआउट हो चुका है लगभग, मतलब 550 के लगभग मान लीजिए आप, 50-60 पॉइंट तो ये भी देखो गैप अप ओपनिंग और हुई है। गैप अप ओपनिंग का एक और नियम होता है कि गैप अप ओपनिंग कोई कंसोलिडेट फेज के साथ में कोई पैटर्न बनाया है, पैटर्न मतलब जैसे डबल टॉप पैटर्न बनाया है या कोई डब्लू पैटर्न बनाया, इस तरह से कोई रेंज बाउंड के एक एरिया करके फिर अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो अच्छा मूवमेंट आता है, वो जल्दी नीचे आने की पॉसिबिलिटी उसकी नहीं रहती है। अब इसमें देखिए एक पैटर्न बनना है, कौन सा पैटर्न बनना है, अब देखो आपको पैटर्न आपको ध्यान दें, ये पैटर्न तुरंत क्लिक करें, ये कि डबल ये यहाँ पर बॉटम बनाया, ये फिर नीचे आया, डबल बॉटम पैटर्न हो गया, ये डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर लोअर टॉप पैटर्न का भी ब्रेकआउट है, मतलब ट्रेंड का चेंज होने की पॉसिबिलिटी बन गई, ट्रेंड भी चेंज हो गया, लोअर टॉप पैटर्न भी बन गया, डबल बॉटम पैटर्न का डब्लू पैटर्न का भी ब्रेकआउट हो गया। अब इसका टारगेट कितना होगा ये देख लीजिए, टारगेट अगर बात की जाए तो ये मान लीजिए कितना पॉइंट का है, ये पॉइंट देख लीजिए, ये पॉइंट कितने लगभग 200 पॉइंट के लगभग है ना, तो 200 पॉइंट के लगभग है तो ऊपर ही आप देख सकते हो कि 200 पॉइंट आप देख सकते हो यहाँ। अब यहाँ से 200 पॉइंट 190, ये 200 पॉइंट है ठीक है, तो मतलब ये हाई तक जा सकता है यहाँ तक, क्योंकि देखो ये एरिया है ये और ये यहाँ तक आ जाएगा लगभग। प्राइस कितनी है लगभग, प्राइस है मतलब 750 के लगभग, 775 के लगभग हो सकती है, ये पैटर्न बने ठीक है। इसको अपन बेसिक चीज़ें होती है ना वो इसी से, अब अपन और देखेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टू डेट मूविंग एवरेज किस तरह से काम करें उसको भी आगे देखेंगे। इससे पहले दोस्तों इसको अपने एक थोड़ा सी बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं किस तरह से इसका बिजनेस मॉडल है। देखिए बोरोसिल रिन्यूएबल इंगेज द मैन्युफैक्चरिंग एक्स्ट्रा क्लियर पैटर्न ग्लास लो आयरन सोलर ग्लास फॉर एप्लीकेशन ऑफ द पीवी पैनल प्लेट कलेक्टर्स ग्रीन हाउस, मतलब कि जो ग्रीन हाउस में चीज़ें वो में की जाती है ना, ग्रीन हाउस मतलब जैसे सोलर में जो प्लेट यूज में की जाती है, और जैसे अपने खिड़कियों के दरवाजे खिड़कियों के लगाते हैं शीशे लगाते हैं उनका भी ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब देखो किस तरह से इसका प्रोडक्ट की बात करें तो मार्केट सेगमेंट किस तरह, हाई परफॉर्मेंस सोलर ग्लास फॉर द यूटिलिटी स्केल राउंड सोलर पीवी, हाई परफॉर्मेंस ग्रीन हाउस सोलर रूफ
रूपटॉप बाय ये ग्लास, ये मतलब सोलर थर्मल प्रोजेक्ट। बाद में कस्टमर साइज कितनी है इसकी, में आप देखोगे कि तो इसके किस तरह से थिकनेस आती है, 2 mm, 2.5 mm, 2.8 mm, 3.4 mm, इस तरह की ये आती है। 2010 से ये इसका प्रोजेक्ट चल रहा है, इसका काम चल रहा है कंपनी। तो इस तरह से आप देख सकते हो प्रोडक्ट में अलग अलग होती है। देखिए आयरन थर्मल वाला ये शीशे आते हैं जो खिड़कियों के लगाते हैं, फिर बाद में सोलर रिफ्लेक्टिव वाली भी आती है, ये इसमें ऑल सोलर की अलग अलग वेरायटी है, ठीक है। तो इसमें आप साइट पे जाके विजिट कर सकते हो जिससे कि आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी। अब इसकी मार्केट कैप की बात करी जाए तो मार्केट कैप कितना है, देखिए 7,947 करोड़ है। स्मॉल कैप कंपनी है, थोड़ी सी मतलब मिड कैप टाइप की कंपनी है। स्टॉक पी है देखो 10.45 है। ROC इसका मैं दे नहीं रखा, फेस वैल्यू इसकी 1 है और बुक वैल्यू इसका डिविडेंड भी ज़्यादा देती नहीं। हाई गया इसका 609 है, तो मतलब इसमें तो ज़्यादा इसका नहीं। अपने इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं क्या, किस तरह से क्वार्टरली रिजल्ट में पता चल जाएगा कि किस तरह से कंपनी है इसकी। देखिए सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट में देखो मार्च की देखेंगे, मार्च का अभी का क्वार्टरली रिजल्ट, मार्च का, जून का, सितंबर 309 है, बाद में 354 है, बाद में 402 है। तो मतलब इसका सेल बढ़ा है। एक्सपेंडिचर कितना खर्चा हुआ, 275 है, 328 और 369 है। तो ये इसके एक्सपेंडिचर आ गए। बाद में बात करते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में देखो पहले वाले से देखो, अभी इसका पहले तो माइनस में चला गया था दोस्तों, ठीक है। अभी 6 था, बाद में 10 है, अभी इसे धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी देखो 13, अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट अभी आएंगे तो दिसंबर के, उसमें भी अच्छे आएंगे। और यहाँ पर देखो 30 के लगभग आ गए हैं, 30 करोड़ का इसका प्रॉफिट हुआ है। ये देखिए इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखने पड़ेंगे मेरे को कभी, तो इसमें तो नहीं आए। बैलेंस शीट की बात की जाए तो किस तरह की बैलेंस शीट है इसमें देख लेते हैं। अपन इक्विटी कैपिटल कितना, 13 करोड़ का है। बाद में बोरोइंग रिजर्व इसके पास में है, देखिए 922 करोड़ है। बोरोइंग कर्जा कितना है इसका, 484 करोड़ का है। जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारी वैल्यू है वो करोड़ में है, ठीक है। अदर लाइबिलिटीज़ है, तो मतलब इसका कोई ज़्यादा कर्जा अर्जा भी नहीं है। बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरह से, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास में होल्डिंग 61% है, FIs के पास में 4% है, DIs के पास में होल्डिंग नहीं है, पब्लिक के पास में देखो भरी पड़ी है 33% है। तो पब्लिक के पास में अच्छी है तो अभी होल्ड कर सकती है पब्लिक। नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करिए जाए तो इसमें देखो 2,77,747 करोड़, सॉरी ये मतलब 2,77,000 लोगों ने इनमें इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो इस तरह से इसको अब देखिए चार्ट को वापस देखते हैं। चार्ट में इसमें आप ये देख सकते हो कि इसके हाई के लेवल कितना है, 800, मतलब कि ये निकला है कब से, 400 मतलब 1500 तक, मतलब 1000 और 1200 तक ये जा सकता है इसका टारगेट, डबल यहाँ से आराम से हो सकता है। हो सकता है टारगेट इसका रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है तो बहुत ही अच्छा 1500 तक भी टारगेट जा सकते हैं। बेशर्त है कि बस इसको ब्रेकआउट कर दिया है, अब अगर पुल बैक पैटर्न आता है, आ भी जाए नहीं भी आए ये भी कंफर्मेशन नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। क्योंकि कई बार नहीं आता है तो अपन क्या कर सकते हैं, अगर आता है तो इस लेवल पे ये देखिए ब्रेकआउट कर दिया है, तो इन लेवल पर अगर 555 का अगर मिल जाता है किसी कंडीशन में तो यहाँ पर कोई बाइंग TRC भी देखो ब्रेकआउट हो चुका है। बाइंग TRC भी पुल बैक पैटर्न के साथ में इसमें अगर आ जाता है तो आप इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। अगर किसी कंडीशन से नहीं होता, ब्रेकआउट फेल हो गया मान लीजिए, उस चीज़ का भी अपने को ध्यान रखना। अगर इन लेवल पे मिल जाता है ना 400 पे तो सोना है ये, ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, उसको वॉच लिस्ट में रखिए। आप किस तरह से काम करता है वो आपको पता चल जाएगा थोड़े दिन। अभी हम बात कर रहे हैं, देखिए आपके कल वीडियो मिलेगा 25 जनवरी की। अब अगर आप फरवरी में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से काम करें। जैसे कई वीडियो, जैसे हमने एक वीडियो लेटेंट व्यू का या किसी का वीडियो डिस्कस किया था, हाँ गुजरात गैस के बारे में डिस्कस किया था, उसमें अभी मतलब एक सर ने कमेंट किया था, मतलब उसमें 50 पॉइंट तो अभी मिल गया 10-50 दिन में, मतलब 10 दिन में 50-60 पॉइंट। तो मैं ब्रेकआउट होने वाले बाद में रैली अच्छी आती है उसका, आप गुजरात गैस का जाके देख लेना। गुजरात गैस का मैंने वीडियो बनाया 10 दिन, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस चीज़ को देखना कि उसने कितनी रैली दी है वो भी। और जो स्किप करके थोड़ा थोड़ा दे वीडियो देखे उनके समझ में कुछ आने वाला नहीं है। सीखने के पर्पज से आओ तब तो आप सीखो, किसी रिकमेंडेशन वाला वो सिस्टम कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसमें देखिए ब्रेकआउट के बाद में अपन देखें फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये यहाँ पर सपोर्ट लिया है, देखो सपोर्ट लिया है तो देखो यहाँ पर कोई स्टॉक रुका है तो यहाँ पर और दूसरा एक चीज़ हो सकती है, क्या हो सकती है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैं बहुत ही यूज करता हूँ और आप भी इसको जाके देख सकते हो किस तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट काम करती है, ठीक है।
तो देखो एक अगर यहाँ लगा देते हैं इसको, अलग अलग दो तीन जगह लगा सकते हो। देखो इसके लो है, एक लो से और बॉटम ये ठीक रहेगा इसका, ठीक है। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखो यहाँ पर इसने 61% के लगभग सपोर्ट नहीं लिया, 61% के लगभग नहीं आई तो 51% का सपोर्ट लेके निकला है। पहले सपोर्ट देखो 38% पर लिया, फिर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया, वापस गया, रेजिस्टेंस कहाँ मिला 38% पर, नीचे की तरफ आया और यहाँ पहले वाले लो के पास में आ गया, ये लो के पास में आया और फिर ऊपर की तरफ चला गया। तो इस तरह से इसका काम करा। ऊपर आपको रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, एक बार रेजिस्टेंस इस 23 रिट्रेसमेंट पर आपको जरूर मिलेगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ जाता है तो ब्रेकआउट किस तरह से और होता है, ब्रेकआउट का और हमने एक तो नियम आपको ये बता दिया, या फिर यहाँ पर जाएगा तब आपको एक बार अलर्ट और होना है 800 के लगभग, ये अचानक ब्रेकआउट कहलाएगा, ब्रेकआउट फेल होगा फिर नीचे की तरफ आएगा। तो अपने को क्या करना है, ब्रेकआउट होने के दो नियम, जिस तरह ब्रेकआउट हो पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी, या फिर बाद में इस ट्रेड लाइन के पास में कंसोलिडेट होनी चाहिए, प्राइस रुकनी चाहिए, ठीक है, तो तब इसमें एक अच्छा मोमेंट और आ जाएगा, ध्यान रखना। अब इसमें देखते हैं कि 200 मूविंग एवरेज किस तरह से काम करती है। 200 मूविंग एवरेज बहुत ही अच्छा टूल है, मतलब 200 दिन को एवरेज है उसके ऊपर रहता है तभी वो ऊपर की तरफ, मतलब टारगेट आपको मिलते हैं ऊपर की तरफ, स्टॉक तभी जाता है जब 200 मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ आती है। तो कोई EMA या MA कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, EMA थोड़ी सी और अच्छी रहती है। 200 मूविंग एवरेज देख लेते हैं अपन। देखो 200 मूविंग एवरेज का किस तरह से रिस्पेक्ट कर रहा था यहाँ पर, इसको देखो ये अलग अलग इंसान का जिस तरह से बिहेवियर रहता है उसी तरह से होता है। यहाँ पर इसका सपोर्ट लिया, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया, वापस रेजिस्टेंस मिला, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया और ब्रेकआउट करने के बाद में जो ये लेवल था उसको भी ब्रेकआउट कर दिया। तो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेकआउट कर दिया तो इसमें बने रह सकते हो, जो पहले से इन्वेस्ट है वो बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो देखो ये इस तरह से हुआ है दोस्तों, ये देखिए डेली टाइम फ्रेम में क्या हुआ है, ये देखो एक यहाँ पर किस तरह से इसमें मूवमेंट आया था, ये देखो यहाँ एक कंसोलिडेट फेज था, ये कंसोलिडेट फेज के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी लेके, बाइंग टीआरसीपी कौन सा बना यहाँ पर, बुलिश इनगल्पिंग भी बन गया लेकिन नीचे तक नहीं आया। इसी तरह से यहाँ पर भी एक कंसोलिडेट फेज को अगर इसको मानता है तो यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो चुका है, थोड़ा बहुत अगर नीचे आता है तब इसमें और अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए मिल सकता है, सस्ता मिल सकता है, डिस्काउंट वाला ऑफर मिल सकता है। इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। आपको वीडियो अच्छा लगो, कंटेंट अच्छा लगो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से बनाया, किसी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस जरूर सलाह मशवरा कर लिए। आप किसी स्टॉक के बारे में पूछना चाहते हो, देखो बाइंग टीआरसीपी और जैसे कई कमेंट में सर करते हैं कि बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी क्या होती है, इसको सीखने में लाइव चार्ट में जिस तरह से संडे को मैं लाइव आता हूँ 11 बजे के लगभग, आप जुड़ सकते हो, आपके अपने स्टॉक के बारे में पूछ सकते हो, चार्ट को किस तरह से अप्रोच दी जाती है। देखो ये बाइंग टीआरसीपी है हैमर, ठीक है, बाइंग टीआरसीपी बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न, सेलिंग टीआरसीपी सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल, मतलब ट्रेंड कहाँ से चेंज होता है, ट्रेंड कहाँ से चेंज होता है उसके बारे में। देखो ये हैमर, ये बाइंग टीआरसीपी है, ये कौन सा है, बियर सिंह हरामी पैटर्न है, उस तरह से आप देख सकते हो। और भी है शूटिंग स्टार, सेलिंग टीआरसीपी है, इस तरह से बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी को अपने कहीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर पहचानना आना चाहिए, तब इसमें अच्छा काम होगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।